हेलो फ्रेंड्स, चारु मातु सहोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे ये हमारी एक रेस्टोरेंट स्टाइल दाल होगी। सो आइए जान लेते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे हमारी दाल मखनी, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हम दाल मखनी बनाएंगे, या हमें जिस तरीके से ढाबों पे दाल मखनी मिलती है उस तरीके से आज हम दाल मखनी बनाएंगे। ये मैंने काली उड़द की दाल ली हुई है, जिसको मैंने मॉर्निंग में ही आधी कटोरी दाल को सोख करके रख दिया था। इस दाल को सोख किए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं मैंने थोड़े राजमा भी डाले हैं। ये लगभग 3 टेबल स्पून मैंने इसमें राजमा ऐड किया है। राजमा डालने से इसमें बहुत ही अच्छा ग्रेवी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें राजमा ऐड किए हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दाल मखनी को फ्राई करने के लिए जिन जिन मसालों की जरूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। मखनी दाल है तो जाहिर सी बात है हमें खूब सारा इसमें बटर चाहिए होगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें काफी सारा बटर लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे है ये बटर। इसके अलावा मैंने गार्लिक लिया है, 5 से 6 कलियां हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चों का पेस्ट है ये। टमाटर हैं, 2 टमाटर हैं जिनको मैंने कट करके रखा हुआ है छोटा छोटा। हरा धनिया है, क्रीम है ये 1/4 कटोरी ये क्रीम है। इसके अलावा हमें ड्राई मसालों में चाहिए होगा हींग पाउडर, जीरा, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला और लाल मिर्चें। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं हमारी दाल मखनी। सबसे पहले हम अपनी इस दाल को बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपनी दाल को कुकर में ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच ही हम इसमें बस हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। सो जब तक हमारी दाल बॉईल होती है तब तक आइए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली है और अपनी गैस ऑन कर ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा बटर। ये मैंने एक बड़ा क्यूब बटर का इसमें ऐड कर दिया है। इसको मेल्ट करते हैं, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें बटर काफी अच्छी क्वांटिटी में जाता है। तो अगर आप लोग थोड़ा कम डालना चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें बटर अच्छा होगा तभी इसका टेस्ट आता है। इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। देसी घी ऐड करने से हमारा जो बटर है वो जलेगा नहीं मेल्ट होने के बाद। सबसे पहले ये 1/4 छोटी चम्मच हींग पाउडर जाएगा इसमें, 1 छोटी चम्मच पूरा इसमें जीरा जाएगा। जीरा हमारा भून चुका है। अब इसमें हम पहले थोड़े सूखे मसाले ऐड करते हैं। ये 1 छोटी चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये 1 छोटी चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच ही पूरा इसमें धनिया पाउडर। तो हम अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं। इस मसाले में हमने जो अपना हरी मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है ये ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो अपने टमाटर कट करके रखे हुए हैं इस मसाले में हम वो ऐड करेंगे। दाल मखनी में प्याज नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको डालना है तो आप प्याज को जब दाल आप बॉईल करें आप उसके साथ ही बारीक बारीक कट करके डाल दीजिएगा। साइड साइड से देखिए आप घी सब छोड़ दिया है, इट मीन्स हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमारी दाल भी हमने बंद कर दी है, तो एक बारी चेक करते हैं दाल हुई है या नहीं हुई है। हमारी दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच पूरा मक्खन का और इसको अच्छे से मिलाएंगे। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमारा मसाला भी क्योंकि तैयार है तो आइए अपनी दाल को मसाले में मिक्स करते हैं। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी दाल में। हमारी दाल में बॉईल आने लगा है। अब हम एक इस बटर में निकालने के लिए होते हैं या मधाड़ी का, यहाँ पे इसको जो भी आप बोलते हैं इससे लेंगे एंड इसको दाल को इस तरीके से मैश करते हुए हल्का हल्का चलाएंगे। ऐसा करने से हमारी दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी दाल में। हमारी दाल स्मूथ हो गई है। इसमें हम अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। दाल बॉईल हो गई है। अब हम इसमें अपना 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच ये भुना हुआ जीरा है ये इसमें ऐड करेंगे। धनिया इसमें डाल देते हैं। दाल एकदम अच्छे से मिल गई है, तैयार हो गई है। तो आइए अपनी गैस बंद करते हैं। इसके बाद हमने जो ये क्रीम ली हुई है अपनी ये इसको ऐड करेंगे। क्रीम हमें गैस बंद करने के बाद ही ऐड करनी है। देखिए क्रीम डालते ही दाल का कलर चेंज हो गया है, एकदम क्रीमी हो गई है हमारी दाल। अब
ये देखिए हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो आइए हम इसके ऊपर से एक टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। तड़का पैन लेंगे, इसमें देसी घी डाल दिया है, इसमें हमने जो अपना ये लहसुन लिया हुआ था ये ऐड करेंगे, इसको हल्का सा भूनते हैं। देखिए हमारा गार्लिक हो चुका है, हमें बिल्कुल ब्राउन ज्यादा नहीं करना है, इसको हम अपनी दाल के ऊपर पोर करेंगे। हमारी दाल बनके तैयार है, इसमें हमने जो अपना लहसुन का तड़का लगाया हुआ था इसको ऐड करेंगे, कुछ धनिया की पत्तियां ऊपर डालेंगे, जो हमारी क्रीम थी उससे इसको डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी दाल मखनी बनके तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई हुई दाल मखनी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको एक बार अपने घर पे ट्राई करके देखिएगा, आपको बिल्कुल जैसे हमें रेस्टोरेंट्स में या ढाबे पे बाहर खाने को मिलती है बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उसके आगे जो बेल नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी नई रेसिपीज आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।